हेलो एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये मूंगफली है, आज इससे मैं बनाऊंगी बर्फी। ये मूंगफली है 250 ग्राम, और ये जो है कुर मुरमुरे है, देख सकते हैं। इसको मैं बनाई थी लड्डू, लड्डू जो टूट गया था ये उसका बचा हुआ है, इसको मैं बनाऊंगी इसी में डाल के बर्फी। और ये मावा है, इलायची पाउडर है। अभी इसको दोनों को अच्छे तरीके से इसको बारीक पाउडर बना लेती हूँ। इसमें शक्कर डाल देती हूँ अपने मीठों के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो है गुड़ पड़ा हुआ है, ये थोड़ा मीठा है, इसके लिए मुझे शक्कर कम डालना है, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अभी इसमें पानी डाल देती हूँ, चाशनी अपना पिघलती रहे। उसके बाद ये मूंगफली को पाउडर बनाऊंगी। अभी शक्कर एक में पिघल गई है अच्छे तरीके से। अभी इसको मुझे एक तार की चाशनी बनाना है। अभी तार नहीं बन रहा, अभी थोड़ा और इसमें समय लगेगा। अभी चाशनी एक तार की बन रही है, तार बन रहा है इसमें। अभी चाशनी रेडी हो गई है। अभी इसको धीमा करके इसमें मावा को डाल देती हूँ अच्छे तरीके से, एक में मिक्स कर देती हूँ। मिक्स अच्छे तरीके से, अभी इसमें मूंगफली पाउडर भी डाल देती हूँ अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अभी ये मूंगफली और मावा मिक्स हो गया है, चूल्हा को मैं धीमा रखी हूँ। अभी इसमें ये मुरमुरे का पाउडर इसमें डाल देती हूँ, डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अभी इसी में इलायची पाउडर डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देती हूँ। अभी इलायची पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अभी इसमें मैं घी बनाई थी, इसी ग्लास में घी था, अभी इसको इसी में डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देती हूँ। मिठाई बहुत मुलायम बनेगी, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। अभी कढ़ाई छोड़ रही है, अच्छे से हो जाएगी तो अच्छे तरीके से छोड़ने लगेगी। अभी मिठाई बनके रेडी हो गई है, अभी ये कढ़ाई को छोड़ रही है, अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। अभी आधी आधा इसमें मेरे पास मिठाई का ट्रे है, इसको घी लगा के पहले से सेट कर दी हूँ। आधा इसी में अच्छे तरीके से रख देती हूँ फैला के। अभी आधा इसी में सेट होने के लिए रख देती हूँ, और आधे में मिलाऊंगी मैं कोको पाउडर। अभी कोको पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अभी चूल्हे को बंद कर देती हूँ। अभी इसी के ऊपर इसी में ट्रांसफर कर देती हूँ। दो कलर की मिठाई है, तैयार हो जाएगी एक साथ में। अभी ये चॉकलेटी फ्लेवर इसी में सेट हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा घी लगा है ग्लास में, अभी इसी चम्मच में लगा के अच्छे तरीके से इसको ऐसा सेट कर देती हूँ। अभी इसको इसी प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, सेट हो जाएगा। इसको फ्रिज में नहीं डालूंगी, ऐसा ही सेट हो जाएगा, उसके बाद मिलती हूँ आप। अभी मेरी मिठाई एकदम सेट हो गई, एकदम कड़क हो गई है। अभी इसका पार्ट है थोड़ा सा निकाल देंगी। अभी इसको छोटे छोटे कट लगाऊंगी अपने अकॉर्डिंग अनुसार। अभी इधर से कट गया है, अभी इसको चौकोर में मैं अपने अकॉर्डिंग छोटा छोटा पीस इसको काट देती हूँ। बहुत बड़ा पीस नहीं काटूंगी, क्योंकि बहुत बोर लगता है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं ना। अभी इसको चौकोर भाग में इसको अच्छे तरीके से काट देती हूँ। अभी मिठाई मिठाई कट के रेडी हो गई है। अभी एक एक पीस करके निकालती हूँ। देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है, प्लेट में जरा से नहीं चिपक रहा एकदम।
मिठाई बनके रेडी हो गई है अभी। ये बहुत अच्छी बनी हुई है, देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। गुलाब की पंखुड़ी लगा दी हूँ, देखिए कितना अच्छी बनी हुई, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बड़े बच्चों के लिए, बड़े और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थी भी है। एक तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्चर कैसे है, देखिए कितना मस्त बना है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।